हेलो गाइज, ये व्यू देख लो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाखुरियानी। एंड इस खूबसूरत व्यू के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा डे 3। बहुत ज़्यादा बर्फ आ रही है, ये क्लोज कर देते हैं एंड लेट्स गो आउटसाइड नाउ। कल रात के स्नो की वजह से देखो पूरा, ये कल नहीं था तो अब यहाँ तक और इस लेवल तक स्नो आ चुका है, डिपॉजिट हो चुका है। एंड स्नोफॉल जो है रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही। हम बस बाहर जाके थोड़ा सा देख के आते हैं कि स्नो में कैसा फील होता है। ये देख लो भाई, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और भाई ये पैर धस गया। अब देख लो पैर कितना धस रहा है नीचे, पूरी तरह से चारों तरफ बर्फबारी बहुत तेजी से हो रही है। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा रहा तो शायद मेरे भी ऊपर बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे स्टार्ट तो हो गई है, आप देख ही सकते हो, और ऐसे अच्छे से चलने में बहुत मज़ा आ रहा है। और ब्लाइंडनेस हो चुकी है एक तरह से, आप कह सकते हो, इतना ज़्यादा वाइट दिख रहा है। देखो पूरा वाइट दिख रहा है, तो इसलिए शायद सनग्लासेस पहनना चाहिए था। हम वेट करते हैं, शायद बस होगी तो बस को हाथ करके जाएंगे, या फिर अपना यैंडेक्स तो है ही, यैंडेक्स या फिर बोल्ट। जस्ट समराइज व्हाट एवर हैपेंड, हम लोग बस स्टॉप के ऊपर आए थे और यहाँ पे एक बस मिस हो गई, और बहुत ज़्यादा हेवी स्नो के कारण बसेस भी नहीं मिल रही। बहुत ज़्यादा फास्ट बता रहा हूँ मैं, तो अब फाइनली जाके हमारी छोटी सी बस आ चुकी है। तो अभी हम वहाँ से बस टर्मिनल से बाहर आ चुके हैं एंड वी हैव गॉट आवर बस टू बोरजोमी राइट नाउ। एट फर्स्ट यू आर सेइंग 50 रावीस, और अभी वो बता रहा है कि 3 महीने में काम हो जाएगा। सो वी वर लाइक कि चलो भाई ठीक है, थोड़ी सी रिक्वेस्ट की बस हो गया काम, बैग्स तो डाल दिए नीचे इसके, बस अभी बैठ गए। तो हम तीनों कितने दारी में जा रहे हैं बोरजोमी? 3 नहीं, टोटल मिला के, टोटल मिला के तो पर पर्सन 3, तो टोटल मिला के 9। 43 में जाएंगे बोला था, बट अभी ये सिर्फ 9 लारी में हमें छोड़ रहे हैं। सो इट्स सो मच बेटर। इवन प्राइवेट टैक्सी 70 लारीज चार्ज करते हैं। और इदरीस बोल रहा 3 लारी में। यस एग्जैक्टली, थैंक यू इदरीस। यस थैंक यू इदरीस। तो दोस्तों बोरजोमी के अंदर स्वागत है आप सभी का, और हमारा स्वागत हो चुका है बहुत सारे स्नो के साथ। तो भाइयों अभी हम जाने लग रहे हैं हॉट स्प्रिंग्स की तरफ, देखते हैं कितनी हॉट स्प्रिंग्स है ये हॉट स्प्रिंग्स। और यहाँ पे एक कुत्ते देखो, तो भाई हमें ये बोल्ट की टैक्सी मिल गई है जो हमें ले जाएगी हॉट स्प्रिंग्स की तरफ। भैया तो ये हेलो, माय नेम गियोर्गी। तो इनका नाम गियोर्गी है और ये टैक्सी प्रोवाइड करते हैं, और इन्होंने कहा कि ये एयरपोर्ट पे जाना है, आपको तिबली से जाना है, कुत्ते से जाना है,
नो प्रॉब्लम, जहाँ पर भी जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लेके जा सकते हैं। बकुरियानी गोदावरी, yes. We just came from Bakuriani. No, no problem. Gurjumi. No problem. Yeah. Okay. तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। अब हम चलते हैं गुंसल फर के। Toyota Hybrid. Toyota? Hybrid. Okay. Yeah. Toyota Hybrid है इनके पास। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। And it is very good. Thank you. Yes. No problem. Thank you very much. मैं जो हमें गाड़ी मिली थी ना बकुरियानी से यहाँ तक गोरजमी तक, तो उसमें ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं पाया, तो मैं अब बता देता हूँ। हेवी स्नोफॉल के कारण आपको बसेस थोड़ी लेट मिल जाएगी, एंड इसलिए छोटी छोटी कार्स भी जाती है। अगर आप ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हो तो उसमें जाओ, वरना थोड़ा सा वेट करो बस स्टेशन के अंदर और फिर आपको कार्स मिल जाएगी, छोटी छोटी मिनी वैन्स मिल जाएगी जिनके मदद से आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। वो हमें पड़ता है ऑलमोस्ट 3 लारी का, मतलब हम 100 रुपये में आ गए 25 किलोमीटर्स, जो कि बहुत सही है। और हम अभी सिर्फ 6 किलोमीटर के लिए पे कर रहे हैं ऑलमोस्ट 450 रुपीज़। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। अगर आप टैक्सीज लोगे तो आपको ऑब्वियसली महंगा ही पड़ना है, लेकिन ये थोड़ा रास्ता सिक्लूडेड है और थोड़ा सा दूर पड़ता है सिटी से, इसलिए तो हमने सोचा कि नहीं ले लेते वो बसेस वगैरह, सीधा यनडेक्स से ही चलते हैं। रास्ते बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये भाई साहब का नंबर है, आप ये नोट कर सकते हो, व्हाट्सएप आप इन्हें कर सकते हो, तो ये आपका रिप्लाई देंगे। और अगर आपको टूर करना है तो ये आपको टूर करवाएंगे। ये कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है, बस आदमी सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये बता रहा हूँ आपको, ये इनका नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। भाई देखो विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है, जितना कैमरा में दिख रहा है उतना आंखों से भी नहीं दिख रहा। भाई किसी अननोन लोकेशन पे आ गए शायद हम, चलो आगे जाके फिगर आउट करते हैं कि कैसा है। भाई ये नो मैन्स लैंड पे आ गए क्या हम? नहीं नो मैन्स लैंड नहीं, आउट ऑफ नोवेयर ऐसा कुछ जाना का पर ब्रोस्की। वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकूं। हमने प्लान किया था कि हम हॉट स्प्रिंग्स जाएंगे। हॉट स्प्रिंग्स तक जाने के लिए 2 रूट्स हैं, तो दोनों के दोनों रूट्स समर में ऑपरेट करते हैं, लेकिन एक रूट विंटर्स में क्लोज हो जाता है। अनलकीली हमने वही रूट लिया था जिस एरिया में हमें टैक्सी ने छोड़ा। वो एक बहुत ही ज़्यादा सेक्लूडेड छोटा सा लोकेलिटी था जो शहर से एटलीस्ट 6 से 7 किलोमीटर दूर था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ। ये रहा हर्ष, और हम लोग तो गए तो थे कि हम देख के आएंगे पूरा हॉट स्प्रिंग्स वगैरह, बट द थिंग इज़ कि वो हम ऑफ सीजन में, हाँ हम ऑफ सीजन में आ गए, तो सो द सल्फर बाथ्स वर क्लोज्ड और स्नो बहुत चल रहा था, सो वी डिसाइडेड टू कैंसिल द प्लान। तो हम थोड़ा घूम घूम के आए, अभी इन दोनों भाइयों ने हमें लिफ्ट दी है तो लिफ्ट से अभी जा रहे हैं बोरजमी। बोरजमी घूमेंगे और उसके बाद वहाँ से तिबलिसी चले जाएंगे। भाई अब मज़ा आ रहा है ट्रिप में, लाइक ट्रिप लग रही है। जो एलिमेंट मिसिंग था वो भी पूरा हो गया। हाँ भाई, जो लाइक जो एलिमेंट मिसिंग था सस्पेंस का, राइट? यस, सस्पेंस और एडवेंचर, तो वो भी फिनिश हो गया है।
अभी कोई चुन ले बची। इन्होंने हमें लिफ्ट दी है, थैंक यू सो मच भाई। भाइयों ये ऑब्सिडियन है जो लोग यूज करते थे पुराने जमाने में। ये ब्रॉन्ज एज के सारे आर्टिफैक्ट्स आप जल्दी जल्दी देख लो। इनका हिस्ट्री पता नहीं चल रहा, बट ये होगा कुछ तो, ये नीडल्स है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाट दिस इज, दिखने में तो बहुत सही लग रहा है ना, राइट? दिस इज आर्कियोलॉजिकल विंग, आप एक्सेस देख सकते हो बहुत डिफरेंट टाइप्स की। और ये है आर्टिफैक्ट्स, ये है आर्टिफैक्ट्स, आप ये ऐसे देख लो। यस, ये भी शायद ये डैगर्स है, डैगर्स। आउटर टेंशन इज टू अट्रैक्ट दैट द क्ले वेसल्स डिस्कवर्ड बाय द क्ले कप। Metallurgy evidence that proved that the tools were made to preparation of bronze objects. तो ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है सब कुछ। ये देखो, ये शायद से पूरे आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिस्ट को मिले होंगे। और ये शायद खिलौने हैं, ये जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये शायद खिलौने रहे होंगे उस टाइप के, उस जमाने के लोगों के। इंटरेस्टिंग है ये मेरे हाथ के कंपेरिजन में देख लो आप, तो ये खिलौने है। ये देखो, एक आदमी जा रहा है इसके ऊपर, है ना, रीजन, पूरा रीजनल मैप। तो भाई ये पत्थर वॉज पेट्रीफाइड, राइट? इट गॉट पेट्रीफाइड, राइट? ओके सर, पेट्रीफाइड नहीं, हाँ एग्जैक्टली, टाइम मध्ये फ्रोजन झालं, फ्रोजन नाही ते। तो अभी हमने हमारा टूर खत्म किया, एंड मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हिस्ट्री लवर हो और आपको अगर मीडियोवल हिस्ट्री या फिर उससे भी पहले वाली हिस्ट्री, BCE वाली हिस्ट्री पसंद है, तो भाई इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। श्रेयश, तुम्हें सबसे ज़्यादा अमेजिंग क्या चीज़ लगी? तेरी फोटोग्राफी। और वो छोड़ के तुझे क्या अमेजिंग लगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखो, अरे स्वस्तिक वगैरह उधर आते लाइक, हाँ, माइग्रेशंस, ओके, फ्रॉम इंडिया। यस, सो माइग्रेशंस आउट ऑफ इंडिया, या तो वो क्लियरली हमें देखने को मिलता है इस रीजन तक, क्योंकि स्वस्तिका जैसे साइंस हो गए और भी सब कुछ हो गए, जैसे जिस तरीके से चेन्स का पैटर्न है तो वो काफी ज्यादा सिमिलर है इंडिया में, जैसे चेन्स मिलते हैं, पॉट पैटर्न्स, एग्जैक्टली, पॉट पैटर्न, डैगर्स, वो तो डैगर्स से भी कॉमन हो जाएंगे, बट ठीक है, हम अगर डैगर्स भी छोड़े तो भी काफी ज्यादा एविडेंस था कि भाई यहाँ से इंडिया से लोग यहाँ तक आ ही गए होंगे, ट्रेड माइग्रेट या फिर इस सोसाइटी में आके घुल मिल गए होंगे, पता नहीं। यस, बट एक्सपीरियंस बहुत सही था, हमने वहाँ पे पोलर बियर भी देखा जिसका जिसे मार के उसका स्किन डाला था। और हाँ, हाईलाइट ये था कि मैंने लाइफ में सबसे पहली बार मैमथ के फॉसिल्स देखे, भले ही वो बहुत छोटे थे, और गाइड ने बताया कि वो रशिया से लाए गए थे, एंड बहुत ही ज़्यादा सही था, मतलब कितना, 5 लारी था फीस। और हमने वोल्केन, बताओगे थोड़ा सा क्या देखा हमने वोल्केन में? यहाँ पे जो ये था, ट्री था, उसका ये था शायद बाग्स, दे ट्री से बाग्स कौन होते, एग्जैक्टली, द बाग्स ऑफ द ट्रीज एंड ऑल्सो, तो जो भी ट्री के बार्क्स होंगे जो वोल्केनिक इरप्शन के अंदर, जब ये कॉकेसस माउंटेंस फॉर्म हो रहे थे, तो जो वोल्केनिक इरप्शन हुए थे, तो उन वोल्केनिक इरप्शन के अंदर जब ये फॉसिल्स दब गए होंगे,
तो तब से अब तक प्रिजर्व हुए हैं, तो वो हमने देखा, तो वो फॉसिल्स थे। एंड ये व्यू देखो एक बार, सिटी सेंटर से व्यू देखो, बस व्यू देखो। लाइक या इलाक्यामध्ये पण लोकांना येते। ओके, सो जो मैं आपको मैमथ के बारे में बता रहा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि फॉसिल्स गॉट पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड मतलब जब लावा आ जाता है तो उसके अंदर जो वहाँ का बायोमास है तो वो दब जाता है, तो वो वहाँ पे इतने जल्दी सड़ नहीं जाता। तो वो ना सड़ने के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण वो चारकोल जैसा मास क्रिएट कर देता है, जो कार्बन में बहुत ज़्यादा रिच होता है। तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो हमने वहाँ पे देखा, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एंड द सेकेंड थिंग दैट वॉज वर्थ वॉचिंग वॉज मैमथ का दांत, क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैंने ये सब कुछ ऐसा रियल लाइफ में देखा है। इससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है इन चीज़ों में, मैं पॉडकास्ट वगैरह सुनता था, बट दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैंने ये खुद से देखा। एंड मैमथ वर जाइगेंटिक, फॉर रियल मैमथ्स वर जाइगेंटिक। तो आई थिंक यू शुड विजिट द प्लेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ विजिटिंग म्यूजियम्स इफ यू लाइक हिस्ट्री, अदरवाइज बस पार्क्स देखो, स्नो देखो, मजे करो। तो भाई टिपिकल यहाँ पे बस स्टेशन की टिकट थोड़ी अंदर होती है, आप देख सकते हो हर्ष अभी कर रहा है टिकट्स। बारह वाला है, 12 सॉरी 36।